हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो मैं पुणे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख रहा था, तो उसमें मुझे दिख गया कि एक फर्स्ट ईयर का नया सिलेबस जो एनईपी 2020 के कॉम्प्लायंट पे स्ट्रक्चर किया गया है। तो चलो देखते हैं इस न्यू सिलेबस में क्या-क्या इंक्लूड किया है। तो ये सिलेबस ये एक्टिव होगा फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर 2024-25। तो इसमें सेमेस्टर 1, तो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। तो एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है, लाइक 30 मार्क्स का इन सेमेस्टर एग्जाम होगा और 70 मार्क्स का एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा। देन सेकेंड सब्जेक्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। तो एक फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, एक सेकेंड सेमेस्टर में होगा। देन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देन फोर्थ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये हो गए 5 सब्जेक्ट्स। तो उसमें से जो और सब्जेक्ट है वो एक सेमेस्टर में होंगे और दूसरा दूसरे, जैसे कि अभी सेमेस्टर 1 में आपको ऑप्ट हुआ है इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो सेमेस्टर 2 में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ तो सेकेंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हुआ तो सेकेंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होगा। देन फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट है, तो सेकेंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 होगा। देन प्रोग्रामिंग रिलेटेड, इसमें फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और सेकेंड सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये होगा। देन वोकेशनल एंड स्किल एनहांस कोर्सेस है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वर्कशॉप एंड सेकेंड सेमेस्टर में होगा डिजाइन थिंकिंग एंड आइडिया लैब और वाइस वर्सा। देन और एक है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेकेंड सेमेस्टर में इंडियन नॉलेज सिस्टम। सो बहुत ही अच्छा सिलेबस डिजाइन हुआ है जो न्यू हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके कॉम्प्लायंट है। तो ये सिलेबस इफेक्टिव होगा इस साल से। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।